बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ द मेटल फ्रॉम क्रोजन, कि मेटल को हम क्रोजन से किस तरह से बचा सकते हैं। और सबसे इजी और सिंपल मेथड ये है कि कोटिंग विद ऑयल है, पेंट है, वार्निश है, इनेमलिंग है, और फिर अलाय है। अलाय का मतलब कि मेटल के साथ एक और मेटल को कम्बाइन कर दें, तो उससे भी क्रोजन का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है। डिपेंड करता है कि कौन कौन सी मेटल को मिक्स करके हमने अलॉय बनाया। और उसके बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड जो है क्रोजन से सेव करने के लिए मेटल को, वो है कोटिंग विद मेटल। मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग की जाती है और कोटिंग से मेटल को हम सेव कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है वो कोटिंग दो तरह की है, एक है कैथोड कोटिंग और दूसरी है एनोड कोटिंग। कैथोड कोटिंग का मतलब ये है कि हमने जिस मेटल की कोटिंग करनी है उसको एज ए कैथोड लेंगे, और एनोड कोटिंग में ये है कि जिस मेटल की कोटिंग करनी है उसको एज एन एनोड लेना है। कैथोड कोटिंग टिन प्लेटिंग भी कहते हैं इसको, और कोटिंग विद टिन भी इसको कह सकते हैं। तो कैथोड कोटिंग का मतलब कि हमने जिस मेटल की कोटिंग करनी है वो एज ए कैथोड यूज होगा। तो फिर ये हम लेंगे वो वाला मेटल लेंगे जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है। जैसे आयरन है तो आयरन के ऊपर कोटिंग करनी है, तो जिस मेटल की कोटिंग करनी है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयरन से नीचे होना चाहिए ताकि वो एज ए कैथोड एक्ट करे। तो अब हम आयरन पे टिन प्लेटिंग करेंगे, तो टिन जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर देखें तो आयरन जो है वो ऊपर है और टिन नीचे है। तो आयरन जो है वो एज एनोड एक्ट करेगा, टिन एज कैथोड एक्ट करेगा। टिन पे जो है वो रिडक्शन होती है, और आयरन पे फिर आयरन जो है वो एनोड है तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, और जहां पे ऑक्सीडेशन होती है वहां पे डिकम्पोजिशन होती है, और यहां पे जो कैथोड होता है वहां पे हमेशा रिडक्शन होती है और वो मेटल जो है वो सेफ हो जाएगी, वहां पे उसकी डिकम्पोजिशन नहीं होगी। अगर दो मेटल्स हैं, एक जो है वो हमारे पास टिन है और दूसरी जो है वो आयरन है, तो आयरन जो है उस पर ऑक्सीडेशन होनी है। इसका मतलब आयरन यहाँ पे किस फॉर्म में होगा, Fe, इसने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करने हैं, तो आयरन 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये कैटायन की फॉर्म में है। यहाँ पे ये है एनोड और टिन जो है ये है कैथोड। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगे, और कैथोड पे हमारे पास जो है वो वाटर की अगर हम आयनाइजेशन लिखते हैं तो फिर वाटर किस फॉर्म में है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्म में। तो वाटर ये जो कैटाइन है ये कैथोड की तरफ जाएंगे। यहाँ पे अब हमारे पास जो है वो पॉजिटिव आयन है हाइड्रोजन और एनायन ये वाले हैं, एनायन जो है वो यहाँ पे है एनोड पे एनायन जाएंगे और कैथोड पे जो है वो कैटायन जाएंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन है यहां से क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई थी, आयरन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, यही वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये जाएंगे कैथोड पे, और कैथोड पे जो है वो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करने हैं। तो कैथोड पे जो हम रिएक्शन लिखेंगे उसमें हम लिखेंगे हाइड्रोजन ये वाले कैटायन, और इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये न्यूट्रल हाइड्रोजन की फॉर्म में आ गए। इसी तरह से क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो इसलिए दो हाइड्रोजन न्यूट्रल एटम्स जो है वो मिलके ये हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। हाइड्रोजन गैस जो है वो टिन सरफेस पे रिलीज होगी। अब दूसरी तरफ अब हम आ जाते हैं एनोड पे, ये कैथोड पे रिएक्शन था। अब हम आते हैं एनोड पे, एनोड पे क्या होगा कि यहाँ पे आयरन जो है वो हमारे पास कैटाइन की फॉर्म में Fe+3 है, इसने एनोड पे एनायन जो है ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन हैं ये वाले, तो इनका रिएक्शन जो है वो आयरन के साथ होगा और आयरन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आयरन हाइड्रोक्साइड। तो ये मेटल जो है इसने डिसॉल्व होना शुरू कर दिया यहाँ पे, और जो टिन जो कोटिंग जो थी वो डैमेज होने की वजह से यहाँ पे गिल्वेनिक सेल जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, और जिसकी वजह से आयरन जो है वो आयरन हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब आयरन जो है उसमें क्रोजन का प्रोसेस जो है वो अब स्टार्ट हो चुका है, तो ये उस वक्त तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि आयरन जो है पूरे के पूरे आयरन की डिकम्पोजिशन नहीं हो जाती। तो ये तो था कैथोड कोटिंग। अब नेक्स्ट है गैल्वेनाइजिंग जिंक कोटिंग और एनोड कोटिंग। अब इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है एनोड कोटिंग का मतलब कि हमने वो वाली मेटल लेनी है जो एज एन एनोड एक्ट करेगी।
तो अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर हमने जिंक आयरन पे हमने कोटिंग करनी है उस मेटल की जो कि एज एनोड एक्ट करे, तो हम वो वाली मेटल लेंगे जिसकी पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयरन से ऊपर है। तो आयरन जो है अगर हम देखें यहां पे है, तो लेंगे जिंक ऊपर है और आयरन नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो जिंक एज एनोड एक्ट करेगा, जिंक एज एनोड आएगा और आयरन जो है वो कैथोड आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमारे पास जिंक जो है वो ऊपर है और आयरन नीचे है। तो एनोड पे अब ऑक्सीडेशन होगी यहां पे, और एनोड पे जब ऑक्सीडेशन होती है तो वो मेटल जो कि एनोड पे होती है वो डिकम्पोज होती है, डिकम्पोज हो जाएगी और कैथोड पे जो है वो होगी रिडक्शन, और ये मेटल जो है ये प्रोटेक्टिव फॉर्म में रहेगी, ये सेफ रहेगी। जब आयरन पे जिंक की हम कोटिंग करते हैं तो जिंक लेयर अगर किसी वजह से डैमेज हो जाती है, तो इसके डैमेज होने की वजह से जो गिल्वेनिंग सेल जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश होगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि जो जिंक है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी और आयरन जो है वो सेफ रहेगा। अब जिसकी कोटिंग की थी वही डिकम्पोज होना शुरू हो गई है, तो इसको हम कहेंगे सैक्रिफिशियल क्लोजर। तो इसके लिए जो है वो हम कैथोड एनोड पे रिएक्शन इस तरह से लिखेंगे कि ये हमारे पास जो है वो दो मेटल्स हैं और ये दोनों आपस में कॉन्टेक्ट में है, एक जो है वो जिंक है और दूसरी आयरन है, आयरन जो है वो एज कैथोड एक्ट करेगा और जिंक जो है वो एज एन एनोड एक्ट करेगी, और ये जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इसका मतलब कि एनाइन जो है इसकी तरफ मूव करेंगे। एनाइन हमारे पास कौन से हैं, वाटर की फिर आयनाइजेशन लिखते हैं, वाटर जो है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्म में है। अब ये एनाइन जो है हमारे पास जो है वो ओएच आयन्स है, ये ओएच आयन्स जो है वो जिंक सरफेस की तरफ जाएंगे, और जो कैटायन्स जो है वो यहाँ पे कैथोड पे जाएंगे। अब जिंक जो है यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन होनी है, इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और ये प्लस टू में जाएगा और टू इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, यही इलेक्ट्रॉन जो है वो जाएंगे इधर इस सर्फ आयरन पे, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं हाइड्रोजन ने, तो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने गेन करने हैं। तो हम कैथोड पे रिएक्शन जो लिखेंगे, रिएक्शन एट दी कैथोड में क्या आएगा कि हाइड्रोजन गेन दी इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इंटू न्यूट्रॉन हाइड्रोजन एटम एंड टू हाइड्रोजन एटम कम्बाइंड टूगेदर एंड देन हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज एट दी सर्फेस ऑफ दी कैथोड। ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी यहाँ पे कैथोड सर्फेस पे। अब एनोड पे हम रिएक्शन लिखेंगे, एनोड पे क्या होना है, एनोड हमारे पास ये है, यहाँ पे जिंक जो है वो है जिंक प्लस टू की फॉर्म में, और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो है इस पे एनोड पे, क्योंकि ये एनाइन्स हैं, ये एनोड पे गए हैं, तो इनका रिएक्शन जिंक के साथ होगा, तो ये बनेगा जिंक हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब कि जिंक जो है जिंक हाइड्रोक्साइड बना है, अब जिंक ने यहाँ पे डिसॉल्व होना शुरू कर दिया है, तो जिंक यहाँ पे डिसॉल्व होगी और आयरन पे जिंक की कोटिंग थी, जिसकी कोटिंग की है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी, आयरन सेफ रहेगी। तो इस जिंक ने इसको प्रोटेक्ट भी किया था और अब डैमेज भी जिंक ही हो रहा, तो इसलिए हम इसको कहेंगे ये सैक्रिफिशियल क्लोजर है कि इसने सैक्रिफाइस किया है, इसकी खातिर इसको प्रोटेक्ट भी किया है और डैमेज भी अब हो रहा है, तो इसको सैक्रिफिशियल क्लोजर भी कहते हैं। तो इसी के साथ ही आज का टॉपिक खत्म हुआ, अब नेक्स्ट इंशाल्लाह आऊंगी अगले टॉपिक के साथ। इसी के साथ ही इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।